एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MWR क्लासेस। सो आज हम चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनको प्लस करें तो उनका सम 27 होता है, और उनको अगर प्रोडक्ट किया जाए, उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट निकालें तो 182 आए। तो हमें नंबर्स नहीं गिवन है, हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर इज, पहला नंबर क्या है, वन नंबर इज एक्स, राइट। अब बोला क्या हुआ है हमें, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। तो सपोज कर लो कि दो नंबर है कोई एक्स प्लस वाई, राइट, इन दोनों का सम 27 है। हमने वन नंबर तो लिख लिया, लेकिन हमें सेकेंड नंबर नहीं पता, तो सेकेंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, 27 माइनस एक्स। अब लिखेंगे एंड द अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स, राइट। अब हमें बोला क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। नाउ देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों नंबर्स का। फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 27 इंटू एक्स 27x एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, राइट। ये हमने सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जो इन नंबर्स का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, यह आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182, राइट। नाउ विच इम्प्लाइज, ये एक्स स्क्वेयर को हम पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस है कॉफिश साइन, तो माइनस आ जाएगा, प्लस 27x। अब ये 27x प्लस का क्यों आया, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, कोई भी साइन नहीं तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। और ये जो 182 है, हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे, 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अब हम माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज जब नेगेटिव टर्म राइट साइड पे जाएगी तो ये 0 हो जाएगी, विच इम्प्लाइज हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे इसको, है ना। तो हमें इस टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 27x आए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 182x स्क्वेयर आए। तो दो कोई ऐसे नंबर ले लेते हैं, अगर देखो हम 13 और 14 ले लें, उनको हम आपस में प्लस करवाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 27, और प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर आ जाता है, 182 के बराबर आ जाता है, राइट। अब लेकिन हमें लेने कैसे हैं, देखो ये वाली जो टर्म है ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब हम एक टर्म के साथ माइनस नहीं लगा सकते, हमें दोनों के साथ माइनस लगाना होगा तभी ये चीज़ हमारी आएगी। तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इन दोनों को, इन दोनों में से अभी आ जाएगा x माइनस 13। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में अंदर रखा है हमें सेम वही चीज़ यहाँ पे भी ब्रैकेट में रखनी है। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस, और दूसरी चीज़ 14, राइट, विच इम्प्लाइज देखो अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, इस
यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, x माइनस 13, तो पीछे बच क्या बच जाएगा हमारे पास, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे इधर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14, विच इम्प्लाइज x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 13 और 14, है ना। अब हम लिख लेंगे हैंस टू नंबर्स आर, अब वो दोनों नंबर्स क्या हैं, 13 और 13 एंड 14। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हू स्क्वेयर इज 365। अब हमें दो ऐसे इंटीजर्स बोले हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव भी हैं एज वेल एज पॉजिटिव भी हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो लेकिन कैसा, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। एक्स ले लेंगे एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना। नाउ अब हमें क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब फर्स्ट इंटीजर के स्क्वायर एंड सेकंड इंटीजर के स्क्वायर का सम 365 के इक्वल होगा, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या जो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर है ना, प्लस 2a क्या है x और b क्या है 1 इज इक्वल टू 365, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस 2x इज इक्वल टू 365, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को लेफ्ट साइड लाएंगे ये आ जाएगा 3 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखो 365 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 364, लेकिन बड़े के साथ साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, विच इम्प्लाइज अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे इन सब में से, क्या बच जाएगा पीछे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, किसी भी नंबर को हम 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 ही रहता है। अब हमें इस नंबर को सिंपली ऐसे करना है कि हमारा प्लस माइनस करके ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि वो दो नंबर कौन से होंगे, 13 और 14। अब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो हम बड़ी टर्म के साथ तो माइनस का साइन नहीं रखेंगे, छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन रखेंगे, तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन कर लेंगे क्या आ जाएगा, x और पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस 14। अब यहाँ से हम सेम हमारा आंसर क्या आना चाहिए,
यही जो यहाँ पे ब्रैकेट में है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन हम क्या कर लेंगे, 13, तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 14, और पीछे क्या बच गया, x माइनस 13, राइट। ये आ जाएगा इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13, राइट। नाउ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ वी हैव पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम नेगेटिव वाली टर्म को रिजेक्ट कर लेंगे। सो वी विल रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 14, राइट। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। यहाँ से हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालेंगे और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर निकालेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर वन पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 13 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 14, राइट। लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। क्या बोला है, एक राइट ट्राइंगल है उसका आल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर, हमें बाकी की दो साइड्स निकालनी है। बाकी की दो साइड्स कौन कौन सी, बेस एंड आल्टीट्यूड, तो लेट कर लेंगे। देखो आल्टीट्यूड के बारे में कुछ ना कुछ तो बोला हुआ है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम बेस लेट कर लेंगे। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, हम राइट ट्रायंगल की बेस लेट कर लेते, क्या लेट कर लेंगे राइट ट्रायंगल की बेस, हम लेट कर लेते हैं कि बेस कितनी है, x सेंटीमीटर। नाउ आल्टीट्यूड के बारे में कुछ ना कुछ बोला है ना, तो आल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू, आल्टीट्यूड क्या बोला हुआ है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यह आ जाएगा बेस माइनस 7 सेंटीमीटर। एक और चीज़ हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूस ऑल्सो गिवन, हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, कितना है, 13 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें बेस और आल्टीट्यूड निकालना है, तो हम निकालेंगे बेस और आल्टीट्यूड हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर
प्लस altitude square is equal to hypotenuse का square, right? अब base क्या let की है हमने x square, altitude क्या let किया है x minus 7 square is equal to hypotenuse given है, तो कितना given है 13 इसका square, which implies ये आ जाएगा x square प्लस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके बराबर है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस टू ए क्या है x और b क्या है 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 169, विच इम्प्लाइज अब क्या आ जाएगा हमारा x square plus 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, विच इम्प्लाइज x square 2x square माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 69 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा 2x square माइनस 14x माइनस ये आ जाएगा 169 में से 49 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, ये आ जाएगा x square माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके हमारा माइनस 7x आए और मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 60 आए, तो कौन से ऐसे दो नंबर ले लेंगे हम, एक ले लेंगे 12 और दूसरा ले लेंगे 5। देखो हमें इस तरह से प्लस या माइनस करना है, देखो 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो पीछे क्या आ जाता है हमारा 7, अगर हम माइनस की टर्म जो है वो छोटे के साथ लगाते हैं मतलब 5 के साथ लगाते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो प्लस में आएगा, जबकि अगर हम माइनस की टर्म जो है वो प्लस बड़ी वाली टर्म के साथ लगाएं और छोटी टर्म के साथ प्लस लगाएं, प्लस का साइन लगाएं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा माइनस 7, हमें माइनस 7 ही चाहिए, राइट। अब देखो प्रोडक्ट में ये वाली जो टर्म है इसमें भी हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेंगे तो अंदर हमारा सेम बचना चाहिए, ये आ गया 5 कॉमन कर लिया x माइनस 12, विच इम्प्लाइज अब यहाँ पे भी कॉमन क्या है यहाँ पे क्या कॉमन है x माइनस 12, पीछे क्या टर्म बची x प्लस 5, उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। देखो किसी भी ट्रायंगल की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट तो हम रिजेक्ट कर लेंगे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, ऐसा क्यों किया बिकॉज लेंथ ऑफ एनी ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफोर x की वैल्यू क्या आ गई 12,
x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब हम यहाँ से बेस भी निकालेंगे, आल्टीट्यूड भी निकालेंगे। नाउ अब हम बेस हमने क्या लेट की थी, नाउ बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बेस हमने क्या लेट की थी, x सेंटीमीटर, x की जगह आ जाएगा सॉरी 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या निकली हमारी 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड altitude ऑफ ट्राइंगल, altitude क्या लेट किया था हमने, x माइनस 7, राइट, हमने क्या लेट किया था x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 में से 7 निकालेंगे पीछे क्या बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है, राइट। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक इंडस्ट्री है वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, हमें नहीं पता वो कितने पॉटरी आर्टिकल्स बनाती हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या बोला हुआ है कि ये देखा गया है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई है हर आर्टिकल की वो 3 ज़्यादा हुई है, 3 जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनके ट्वाइस और उससे 3 ज़्यादा हुई है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, हमें बताना है कि अगर उस दिन एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 की हुई है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ी, राइट, कितने में हमें एक आर्टिकल मिला। तो स्टार्ट करते हैं, हमें लेट करना पड़ेगा, हमें नहीं पता है कि एक दिन में कितने पॉटरी आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इन वन डे, एक दिन में कितने पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है इंडस्ट्री, हम लेट कर लेते हैं एक्स क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी हुई है, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। क्या बोला था कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनते हैं उसके ट्वाइस, ये हमने लिख लिया ट्वाइस ऑफ दैट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे प्लस थ्री मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट, ये आ गया। नाउ अब कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए कैसे पता चलेगा, हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्लस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर डे में कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, अब कॉस्ट निकाल रहे हैं तो रुपीज़ में आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे, राइट, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा रुपीज़, एक्स की मल्टीप्लाई 2x के साथ हो जाएगी तो आ जाएगा 2x² प्लस 3x, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो उस दिन की बोला है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90
ये हमने इस कंडीशन से कॉस्ट निकाली है और ये इन्होंने दी हुई है, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² + 3x = 90, राइट, विच इम्प्लाइज 2x² + 3x 90 को लेफ्ट साइड लाएंगे, यह आ जाएगा -90 = 0. अब हमें 3x को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके हमारा 180 आए और प्लस माइनस करके हमारा +3x आए. तो हम कोई दो ऐसे नंबर ले लेंगे, हम 12 और 15 ले लेते हैं. देखो अब 12 और 15 को हमने क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 180. अब हमें 180 चाहिए कैसा, माइनस का चाहिए. अगर हम छोटी टर्म के साथ माइनस लगाते हैं तो हमारा आंसर प्लस, मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट में तो हमारा माइनस आ जाएगा, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में, जो कि हमें चाहिए. हमारा प्लस करके प्लस या माइनस करके हमारा ये आंसर प्लस में चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस में चाहिए. तो हम छोटी वाली टर्म के साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2x² - 12x + 15x - 90 = 0, राइट, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा, x - 6 + ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे x - 6 ही आएगा. अब हम कौन सा नंबर ऐसे बाहर निकालें तो हमारा ये आंसर आएगा. देखो अगर यहाँ से हम 15 कॉमन करें तो x - 6 आता है, क्योंकि 15 को जो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आता है, राइट, विच इम्प्लाइज अब यहाँ से हम x - 6 कॉमन कर लेंगे और पीछे क्या बच जाएगा, 2x + 15 = 0. नाउ हम लिखेंगे इधर x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, विच इम्प्लाइज x = 6 और x - 15. x की वैल्यू तो 6 आ गई, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, -15/2, राइट. देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम x की वैल्यू इसको नहीं ले सकते. ऐसा क्यों लिया, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम x इज नॉट इक्वल टू -15/2 ले लेंगे, हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर लेंगे, राइट. तो हमारे x की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6. अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, राइट. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी निकाल लेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल लेंगे. तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टन डे हमने कितने आर्टिकल्स लेट किए थे, x, तो हमारा x क्या आया है, 6, लेट कर लेते हैं कि हमारे 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीस, क्या लिया था हमने, 2x + 3. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 6 + 3, विच इम्प्लाइज यह आ जाएगा ₹12 + 3. तो कितने रुपीस का एक आर्टिकल बिकता होगा हमारा, 15 रुपीस का, राइट.
तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इतने लिए कॉस्ट लेट की, फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, जो हमने क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी वहाँ से हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू निकाली और वहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू निकाली। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।